तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन खबरों में है। 42 साल की जैसिंडा ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि मैं भी इंसान हूं, जितना कर सकती थी किया। जैसिंडा ने अपने देश के हित में सही किया था, गलत किया, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इस ऐलान के बाद भारत की राजनीति और नेताओं से जुड़कर उनकी चर्चा की जा रही है। Is that after going on 6 years of some big challenges, I am human. Politicians are human. We give all that we can for as long as we can, and then it's time. And for me, it's time. न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, तो इसकी चर्चा यहाँ 12। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1000 किलोमीटर भारत में भी हुई और ये कोई सामान्य चर्चा नहीं है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, महान क्रिकेट कमेंटेटर विजय मर्चेंट जब अपने करियर के शीर्ष पर थे तब एक बार उन्होंने कहा था, उस समय जाइए जब लोग ये कहें कि ये क्यों जा रहा है, उस समय मत जाइए जब लोग ये पूछने लगे कि ये जा क्यों नहीं रहा है। जैसिंडा की तारीफ करते हुए जयराम रमेश ने लिखा है, भारतीय राजनीति में जैसिंडा जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में भी जैसिंडा जैसे नेताओं की जरूरत है? पहले ये जान लीजिए कि जैसिंडा ने इस्तीफा क्यों दिया। क्या वो चुनौतियों से घबरा गई? क्या वो आगामी चुनाव की संभावित हार से डर गईं? या फिर जैसिंडा ने अपनी लाइफ का एजेंडा सेट कर लिया है? हर कोई हैरान है कि सफलता के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने ये ऐलान क्यों किया। इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले आपको जैसिंडा अर्डन के बारे में भी जानना चाहिए। जैसिंडा अर्डन का जन्म 26 जुलाई 1980 को न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में हुआ था। उनके पिता रॉस अर्डन पुलिस अफसर थे और मां लॉरेल कुक थी। जैसिंडा को हमेशा से राजनीति में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने साल 2001 में मात्र 18 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ज्वाइन कर ली। जैसिंडा अर्डन तत्कालीन प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क के लिए रिसर्चर के तौर पर काम करती थी। 37 साल की उम्र में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने अगले महीने पीएम पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। अपने इस्तीफे का ऐलान करते समय जैसिंडा ने कहा कि This summer I had hoped to find a way to prepare not just for another year but another term because that is what this year requires. I have not been able to do that. जैसिंडा ने अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ ये भी साफ कर दिया है कि उनके कुर्सी छोड़ने के पीछे कोई सीक्रेट वजह नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि Is that after going on 6 years of some big challenges, I am human. Politicians are human. We give all that we can for as long as we can, and then it's time. And for me, it's time. साल 2018 में जैसिंडा अर्डन अपनी 3 महीने की बेटी के साथ यूएन की सभा में पहुंच गई थी और वहां वो अपनी बच्ची को दुलार करती नजर आई थी। इतना ही नहीं, 2021 में जैसिंडा को दुनिया की सबसे महान नेता का खिताब मिला। मई 2021 में फॉर्च्यून मैगजीन ने प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन को दुनिया के सबसे महान नेताओं के लिस्ट में पहली रैंक दी थी। ये खिताब उनको कोरोना महामारी को फैलने से रोकने और कई साहसिक फैसलों के लिए मिला था। जाहिर है इतनी कम उम्र में जैसिंडा ने सफलता के जो पैमाने तय किए वो हर किसी के लिए आसान नहीं होते हैं। इसके अलावा पीएम पद की कुर्सी तक पहुंचना और उसे छोड़ देना भी आसान नहीं होता, लेकिन जैसिंडा का ये फैसला पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।